सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी विटामिन सी टैबलेट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी झाइयों को रिमूव करने के लिए जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे ही मैंने विटामिन सी की जो है वीडियो अपलोड करी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड करी, मुझे विटामिन ई से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेरीज आने लगी कि क्या भैया विटामिन ई भी जो है हमें हमारी मेलाज्मा या पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि विटामिन सी से ज्यादा विटामिन ई बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड विटामिन ई का नाम ही ब्यूटी विटामिन है, क्योंकि विटामिन ई बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड विटामिन ई के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, साथ साथ स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और नेल्स के लिए विटामिन ई के बहुत सारा जो है बेनिफिट्स आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसके बारे में बात करी है। तो क्या सच्चाई है कि विटामिन ई हेल्प करता है आपके मेलाज्मा या पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए? चलिए आज की वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। और जो लोग भी जो है मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट होने वाला है, ये एक पेड ट्रीटमेंट है, ये एक पेड सर्विस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं मुझसे पर्सनली, तो आप मुझे इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आज की वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि विटामिन ई अगर आप टैबलेट लेते हैं मार्केट से, और एक बहुत ज्यादा फेमस नाम मैं आपको बताता हूं, इवियन 400। तो इवियन 400 के कैप्सूल्स ग्रीन कलर के आते हैं, और आपने देखे होंगे इसके अंदर इवियन 600 भी आता है, और वो शेप में बिल्कुल ओमेगा 3 के कैप्सूल्स की तरह लगता है जो 600 आता है, और जो 400 आता है वो ग्रीन कलर में आता है। तो ये जो ग्रीन कलर के जो कैप्सूल्स हैं, बहुत सारे होम रेमेडीज में आपने देखे होंगे, कई बार लोग जो है इसको नारियल के तेल के साथ मिक्स करके बालों में लगा लेते हैं, तो इस तरह की होम रेमेडीज में आपने बहुत बार देखे होंगे। एंड कई बार विंटर्स में जो है हम घर पे ही मॉइस्चराइजर बनाते हैं, जिसके अंदर अपन ग्लिसरीन वगैरह ऐड करते हैं, उसके अंदर भी विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन ई एक्चुअल में करता क्या है? तो जो इवियन 400 की कैप्सूल्स आप लेके आते हैं, उसके अंदर विटामिन ई होता है अपने केमिकल फॉर्म में, और उस केमिकल फॉर्म का नाम होता है टोकोफेरोल एसीटेट। तो टोकोफेरोल एसीटेट क्या है? एक विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और इट्स अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई क्या है एक्चुअल में? सो विटामिन ई एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है उसे क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई का अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे, तो आपकी स्किन में साथ साथ आपके हेयर्स में होने वाले किसी भी तरह के डैमेज, जैसे कि रूखापन या आपको बहुत ज्यादा झुर्रियों की प्रॉब्लम है, तो विटामिन ई उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पिगमेंटेशन और मेलाज्मा से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम वे डेफिनेटली फेस करते हैं, वो है स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई होना, बहुत ज्यादा रूखा होना। तो विटामिन ई क्या करता है? उस रूखेपन को हटाने का काम करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो भी आपकी स्किन के अंदर जो डीप डाउन जो लेयर्स हैं, जिनके अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन खत्म सा हो गया है, उसे थोड़ा इम्प्रूव करने का काम करता है विटामिन ई, और साथ ही साथ जो आपका फ्री रेडिकल डैमेज है किसी भी तरह का, उसे दूर करने का काम करता है। तो मैं बोलूंगा कि इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन रिमूविंग योर मेलाज्मा, बट डायरेक्टली ये नहीं रिमूव करता आपके मेलाज्मा को, लेकिन इसके इनडायरेक्टली बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं आपके मेलाज्मा पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। यहां पर एक चीज की मैं बात करता हूं कि अगर आप विटामिन ई को अकेले लेते हैं तो उसके इतने ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे आपके मेलाज्मा को दूर करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे कंबाइन करते विटामिन सी के साथ में, तो एक बहुत ही ज्यादा सुपर एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके मेलाज्मा को रिमूव करने के लिए, क्योंकि विटामिन ई एक अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन सी जो है विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन को आपकी बॉडी में बढ़ा देगा, जिससे इवेंचुअली होगा क्या कि जो भी आप विटामिन ई के कैप्सूल ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। कई बार आप देखना, कोई भी आप विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना जो अच्छे ब्रांड का है, उसके अंदर आपको विटामिन सी जरूर देखने को मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विटामिन ई इसके वर्किंग को क्योंकि विटामिन ई के वर्किंग को विटामिन सी और ज्यादा बेहतर बनाता है, साथ साथ इनका जो कॉम्बिनेशन है इट्स सुपर एंटीऑक्सीडेंट। तो जो बेनिफिट्स आपको विटामिन ई से चाहिए, वो आप इनके दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपके मेलाज्मा और पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। सो जो लोग भी अपने मेलाज्मा पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए विटामिन ई लेना चाहते हैं, उसे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि विटामिन ई अकेला ना लेकर आप विटामिन सी के साथ लें। विटामिन सी के कौन से टैबलेट्स आते हैं? लिम्सी आती है, जो लिम्सी 500 आता है, सेलिन 500 आता है, उसके साथ आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर
आप विटामिन ई और विटामिन सी का सेवन करना चाहते हैं तो टैबलेट्स की अपेक्षा आप जो है नेचुरल फूड्स की तरफ जाइए, और अगर आप नेचुरल फूड्स नहीं ले सकते तो ऐसे सप्लीमेंट लीजिए जो कि एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी के हों। अब केमिस्ट शॉप पे जो विटामिन ई के इवियन 400 के कैप्सूल्स मिलते हैं, जो लिम्सी 500 मिलता है, ये इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। जैसे इसके अंदर अब मैं बात करूँ टोकोफेरोल एसिटेट आता है, तो टोकोफेरोल एसिटेट इतना ज़्यादा आप मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है जो कि रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर सके। इसलिए विटामिन ई को जो है आप नेचुरल फॉर्म में लेने की कोशिश कीजिए। सनफ्लावर सीड्स के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है, तो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है सनफ्लावर सीड्स, तो आप उन्हें ले सकते हैं। पम्पकिन सीड्स के अंदर आपको विटामिन ई मिल जाता है, तो ये जो सोर्सेस हैं आप इनके थ्रू लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। एक बात मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि विटामिन ई और विटामिन सी में विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि अगर आप ज्यादा मात्रा में भी ले लोगे तो आपकी बॉडी में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगा वो। लेकिन विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि आपका जो लिवर है इसे स्टोर कर लेता है। सो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो आपको लिवर टॉक्सिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो क्या इसका सॉल्यूशन है कि अगर आप विटामिन ई का सेवन कर रहे हैं तो एक महीना इसे आप ले सकते हैं, उसके बाद आपको 15 डेज का गैप देना है, उसके बाद आपको इसको वापस से आप ले सकते हैं। गैप्स विटामिन ई के साथ में जरूर देना है, ऐसा नहीं है कि 2 से 3 महीने आप लगातार ले जा रहे हैं विटामिन ई, बहुत गलत चीज है वो। विटामिन ई का सेवन नहीं करना है आपको लंबे टाइम तक, ये आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लिवर टॉक्सिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है विटामिन ई की अधिकता से। विटामिन सी आप जितना मर्जी चाहे उतना ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इसे यूरिन के थ्रू जो है फ्लश आउट कर देती है। तो अगर आपने किसी भी व्हाटसो एवर रीजन अगर आपने इसका साइड ओवरडोज भी कर लिया है तो आपको कोई परेशानी वो नहीं देगा, ठीक है। तो विटामिन ई का इसी तरह से आपको रिसाइकल करके जो है उसको यूज करना है, एक लंबे समय तक विटामिन ई का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक सजेशन मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली देना चाहता हूँ कि हमेशा विटामिन ई और विटामिन सी को आप लंच टाइम में लीजिए, मॉर्निंग टाइम में मत लीजिए, ठीक है। इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप लंच टाइम में लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा विटामिन ई और सी को साथ में ले। अब मैं ये बोलूं और आप दोनों को साथ में ले सकते हो, विटामिन ई की आप इवियन ले सकते हो और साथ में लिम्सी को आप च्यूएबल टैबलेट आती है तो आप च्यू करके खा सकते हो, यानी कि दोनों को साथ में लीजिए तब ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे गैप्स देने की जरूरत नहीं है कि आपने 1 घंटा पहले विटामिन ई लिया देन उसके बाद में आप विटामिन सी लेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप साथ में भी लेंगे तो भी आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे दोनों ही विटामिन के। तो आशा करता हूं कि आपकी जो क्वेरी थी कि हम विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी झाइयों में पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरी सलाह से आप विटामिन सी के साथ इसका इस्तेमाल करें, आपकी रिजल्ट्स जो है दुगने या आप बोल सकता हूं आपके 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे अकेले विटामिन ई लेने से। तो आज की वीडियो में अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा जो कॉन्टेंट है पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, बेस्ट ऑफ लक।